नमस्कार। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज़्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए, यानी टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार होता रहता था और उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुकसान उठाया। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो, इन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव और टकराव हम कई जगह पे देखते हैं। हमारे यहाँ भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाइप बिछाने के लिए उसे खोद दिया गया, रोड दोबारा बनी तो सीवर लाइन बिछाने वाले ने आकर के उसको खोद दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। पीएम गतिशक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है उसमें पीएम गतिशक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 में भारत सरकार का डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये था, जो 22-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ये लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे, वाटरवे हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, गैस ग्रिड हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। इन क्षेत्रों में हमारी सरकार बहुत बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम गतिशक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। इससे परियोजनाओं के टाइम और कॉस्ट ओवररन में भी कमी लाई जा सकेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी
शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन भी उतना ही बढ़ेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को मजबूती देते हुए इस साल के बजट में राज्यों की सहायता के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोडक्टिव एसेट पर कर पा सकेगी। देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट के संतुलित विकास के लिए भी कमिटेड है। इन राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए 1,500 करोड़ रुपए की लागत से पीएम डिवाइन योजना की भी घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आने वाले वर्षों में देश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये सारे प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के इस नए युग में आपके लिए नई इकोनॉमिक संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, देश के प्राइवेट सेक्टर से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गौरवशाली योगदान दें। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में अब 400 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध है। इससे ना केवल एग्जिस्टिंग और प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है बल्कि इसमें फॉरेस्ट लैंड, अवेलेबल इंडस्ट्रियल एस्टेट जैसी इंफॉर्मेशन भी है। मेरा सुझाव है कि इसका उपयोग प्राइवेट सेक्टर अपनी प्लानिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा करें। नेशनल मास्टर प्लान पर सभी जरूरी सूचनाएं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे प्रोजेक्ट अलाइनमेंट और विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस डीपीआर स्टेज पर ही प्राप्त करना संभव हो सकेगा। ये आपके कंप्लायंस बर्डन को कम करने में भी मदद होगा। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो अपने प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना करते हुए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी आधार बनाएं। साथियों, आज भी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% तक मानी जाती है। ये अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी सुधारने में पीएम गतिशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए इस बजट में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफ्लेस प्लेटफॉर्म यूलिप बनाने का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के डिजिटल सिस्टम अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप काम कर रहे हैं। यूलिप के माध्यम से 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे
एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल तैयार होगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। पीएम गतिशक्ति से हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बहुत मदद मिलेगी, हमारे एमएसएमई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। हमारी सरकार ने लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए लॉजिस्टिक डिवीजन और सरकार के सभी विभागों में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की भी व्यवस्था की है। पीएम गतिशक्ति में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका आप देख ही रहे हैं और मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सरकार भी अपने स्वभाव में इस बात को लाए, प्राइवेट सेक्टर भी लाए, हम आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कैसे लाएं, क्वालिटी भी और कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। और अब तो हम ये भी सोच रहे हैं, जो भारत ने एक लीड लिया है, कि दुनिया में पाया गया जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, उसमें मानव हानि से भी ज्यादा लंबे असर तक प्रभाव करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश हो जाता है। ब्रिज के ब्रिज खत्म हो जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं फिर बनाने में। और इसलिए डिजास्टर रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज बहुत आवश्यक हो गया है। तो जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी हम उस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम उसको भी आगे लाएं। लॉजिस्टिक सेक्टर में कार्यरत कंपनियों के पास वर्ल्ड क्लास नॉलेज एवं टूल्स है, उनका प्रयोग करते हुए देश में उपलब्ध डेटा को बेहतर इस्तेमाल हमें सुनिश्चित करना है। साथियों, गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में सही मायने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुनिश्चित करेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से लेकर डेवलपमेंट तथा यूटिलाइजेशन स्टेज तक होगी। इस वेबिनार में इस बात पर भी मंथन होना चाहिए कि किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर बेहतर आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। आप सभी वेबिनार के दौरान सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कौन से रूल्स एवं पॉलिसीज में परिवर्तन की आवश्यकता है, इस पर भी आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत की फाउंडेशन को मजबूत करेगा और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं इस वेबिनार की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमें आप सभी के अनुभवों का लाभ मिलेगा। मैं आपका ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज का ये हमारा वेबिनार हमारी सरकार की तरफ से भाषणबाजी का नहीं है, हमें आपको सुनना है। अब आप भी जो बजट में बातें हुई है उसी के प्रकाश में कहेंगे तो अच्छा होगा। कुछ सुझाव आपके होंगे तो हम जब अगला बजट बनाएंगे तब सोचेंगे, उस समय आप मुझे जरूर लिख करके दीजिए। अभी तो पार्लियामेंट ने जिस बजट के लिए हमें अनुमति दे रहा है पार्लियामेंट, हमें उसी पर बल देना होगा। उसको हम अच्छे ढंग से कैसे करें, अभी हमारे पास ये मार्च का महीना बचा हुआ है, 1 अप्रैल से नया बजट लागू होगा। हम इस मार्च के महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके 1 तारीख को ही सारी चीजें जमीन पर उतारना शुरू कर दें, ये हम कर सकते हैं क्या? दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो स्वाभाविक है, अब पुराने जमाने में सारी दुनिया बसती थी नदियों के पास, जहाँ से नदी होती थी उसी के निकट
या समंदर के निकट बड़े शहर विकसित होते थे, व्यवस्थाएं विकसित होती थी। धीरे धीरे वहाँ से शिफ्ट होकर के जहाँ बड़े बड़े हाईवेज हो वहाँ दुनिया विकसित होने लगी। और अब लग रहा है कि जहाँ जहाँ ऑप्टिकल फाइबर होगा वहाँ वहाँ दुनिया विकसित होती जाएगी। वक्त बदलता जा रहा है। इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आइसोलेटेड नहीं होता है, उसके होते ही उसके आसपास पूरे नए इकोसिस्टम डेवलप हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए ये गतिशक्ति मास्टर प्लान हमें बहुत लाभ करेगा। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो कुछ भी बजट में है उसको अच्छे ढंग से लागू कैसे करें। सरकार में भी फुल स्टॉप कॉमा की इधर उधर गलती रहती है तो 6-6 महीना फाइलें चलती हैं, उतने में तो नया बजट आ जाता है। आप लोगों से पहले से बात करने से फायदा ये होगा कि आपको पता है कि इसके कारण ये तकलीफ आएगी, और आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो सिस्टम अभी से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। और इसलिए आप लोग बड़ी गहराई से इसमें योगदान दें, यही मेरी अपेक्षा है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।